अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मैं बना रही हूँ आलू के समोसे। तो मैंने 5 आलू लिए थे, 5 अदद आलू, उनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। जब वो बॉईल हो गए तो उन्हें मैंने ठंडा करके और उसको ना मैंने क्यूब के हिसाब से कटिंग कर लिया है। ये देखें, छोटे छोटे क्यूब्स के हिसाब से कटिंग कर लिया है। अब मैं इसका मसाला बनाकर दिखाऊंगी आपको क्या क्या डलेगा मसाले में। जी व्यूवर्स, इसमें अब मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करनी है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। आलू का मसाला आपका तैयार हो गया है। समोसों के लिए जो मसाला बनाया है हम लोगों ने वो रेडी हो गया है। ये देखें, इसे मैश भी नहीं हो रहा है। आलू ठंडा करके आप आलू शामिल करेंगे तो वो आलू मैश नहीं होंगे मसाले में, वो क्यूब बने हुए ही आएंगे। अब मैं आपको इसकी मैरिनेशन दिखाऊंगी कि समोसों में कैसे भरेंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं फिलिंग कर रही हूँ। मैंने समोसे नहीं बनाए, इसके रोल बनाए हैं मैंने। और क्योंकि इस मसाले के आलू के रोल ही मजे के लगते हैं, तो मैं फिलिंग कर रही हूँ। बैटर थोड़ा ज्यादा ही डालना है आपने मसाले में, क्योंकि उसको फिलिंग अच्छी है उसकी। सारे रोल बना लिए हैं मैंने, बस ये जो रह गए थे मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं फिलिंग करते हुए की। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अपनी दुआ में याद रखें। कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब आप इसे पॉलीबैग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बॉक्स हो तो उसमें भी डाल के फ्रिज कर सकते हैं। ये आराम से चलेंगे, 15-20 दिन चलते हैं आराम से, खराब नहीं होते। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।